Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the R programming language. मैं हूँ फहद हुसैन और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे. आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और R programming के इस language journey के अंदर हम data structure को discuss करेंगे कि R programming के अंदर वो कौन से data structure हैं जो R programming को दूसरे programming language से unique बनाते हैं. और ना सिर्फ ये data structure statistical concept में इस्तेमाल होंगे बल्कि either अगर आप machine learning, deep learning की तरफ मूव होते हैं तो इन data structure को बड़े इम्पॉर्टेंट और मेन रिसोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आप अपने मॉडल को ट्रेन या बिल्ड कर सकेंगे. तो लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं. आप फहद हुसैन सी एस से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिनस की हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे विद ईज़. आप इन्हें वॉच कर सकेंगे. इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होगा, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वट एवर जो भी चीज़ें मैं अपने इस स्लाइड पर यूज़ कर रहा होता हूँ या वीडियोज़ पर, वो मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे विद ईज़, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे. लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरवक्त जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्ट और नत नई टेक्नोलॉजी आप बरवक्त आसानी के साथ सीख सकें. तो अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूँ तो हम बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो टोटल ओवरऑल हमारे पास 6 डेटा स्ट्रक्चर हैं, हर एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं एक डेटा स्ट्रक्चर बताऊँगा और हम उसे मैनिपुलेट करना देखेंगे, उसके ऑपरेशन देखेंगे, उसके इंडेक्सिंग देखेंगे और उसके यूजेज भी देखेंगे ताकि हमें प्रॉपरली तमाम डेटा स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर समझ में आ जाए. लिहाजा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के हैं और इस सेशन पर हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है. अ डेटा स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. डेटा स्ट्रक्चर आर द बेसिक्स ऑब्जेक्ट विच वी विल मैनिपुलेट इन ओवर डे टू डे बेसिक्स इन द आर. एक्चुअली इन सिंपलेस्ट वर्ड्स यू कैन से दैट डेटा स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रिप्रेजेंट योर प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा. यानी डेटा को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, ये चीज़ें या ये ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, इट्स कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर. So further dealing with object convergence is the most common source of despair for the beginners. We can say that everything in R is an object. तो जितनी चीज़ें हैं R के अंदर वो object हैं और data structure एक खुद object है जिसके ज़रिए से आप अपने data को represent कर रहे हो तो manipulate करवा सकते हो. और वो data किन किन तरीक़ों से लिखा जा सकता है, design किया जा सकता है, manipulate किया जा सकता है, वो at the last of these all data structure types जब हम पढ़ चुकेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. तो टाइप्स कितनी है डेटा स्ट्रक्चर की आर में, तो हमारे पास 6 डेटा स्ट्रक्चर है. सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक वेक्टर है, फिर लिस्ट है, एरे है, मैट्रिक्सेस है, डेटा फ्रेम है एंड फैक्टर है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली एटॉमिक वेक्टर क्या है. ठीक है, यानी सिंपलेस्ट वेक्टर क्या चीज़ है. वेक्टर एक ऑब्जेक्ट है जो एक मैग्नीट्यूड रखता है और एक लेंथ रखता है, हम उसे वेक्टर कह रहे होते हैं. तो वेक्टर की डेफिनेशन है, वेक्टर इज़ अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन आर, और वी कैन से वेक्टर आर द मोस्ट बेसिक आर डेटा ऑब्जेक्ट. देयर आर 6 टाइप ऑफ द एटॉमिक वेक्टर एज वेल, सच एज लॉजिकल वेक्टर, इंटीजर वेक्टर, कैरेक्टर वेक्टर, डबल वेक्टर एंड रॉ वेक्टर. दीज ऑल आर द डेटा टाइप्स ऑफ द आर. तो जितने डेटा टाइप्स हैं उतने ही डेटा टाइप्स के फॉर्म पर मैं वेक्टर भी क्रिएट कर सकता हूँ. सो ए वेक्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ मोस्ट कॉमनली ऑफ द मोड ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, लॉजिकल और न्यूमेरिक. अ वेक्टर कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स. अब वेक्टर दो तरह के फर्दर हो सकते हैं, यानी एक तो हमारे पास एटॉमिक वेक्टर है और एक है हमारा लिस्ट वेक्टर. तो लिस्ट एक्चुअली अगर आप टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में देखो आर के, तो सेकंड हमारे पास लिस्ट है. तो एक्चुअली लिस्ट भी खुद एक वेक्टर की ही टाइप है, लेकिन इस सेशन पर हम एटॉमिक वेक्टर को देखेंगे और नेक्स्ट में हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि लिस्ट एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर भी और साथ ही साथ वो खुद एक वेक्टर के टाइप में भी आता है. तो फर्दर वैक्टर इज क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, दैट्स एटॉमिक वैक्टर एंड लिस्ट. दे हैव 3 कॉमन प्रॉपर्टीज़, यानी इन तीनों में दोनों में 3 कॉमन प्रॉपेबिलिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं. फंक्शन टाइप है, फंक्शन लेंथ है और एट्रीब्यूट फंक्शन है. देर इज़ ओनली 1 डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वैक्टर एंड लिस्ट. इन एन एटॉमिक वैक्टर ऑल द एलिमेंट आर द सेम टाइप, बट इन द लिस्ट द एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स.
देखते ही हमें ये बात समझ में आ गई ये सेशंस पे, कि सेशन के अंदर हम एटॉमिक वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो एटॉमिक वेक्टर जब भी आप क्रिएट करोगे तो उसमें एक ही डेटा टाइप्स की कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है। हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू का कलेक्शन एक लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। वाज़े रहे कि जब मैं सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ के साथ बनाऊंगा तो भी वैक्टर है, और लिस्ट में भी बनाऊंगा तो भी वो वैक्टर है। फ़र्क ये है कि वो एक एटॉमिक वैक्टर होगा और सेकेंड वाला हमारा सिंपल लिस्ट होगा। अब जब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। जैसे वेक्टर क्रिएट करना, राइट हैंड इमेज पर शो किया हुआ मैंने, टाइप ऑफ वेक्टर्स तो अभी हम देख चुके हैं यहाँ पर। क्रिएट करना उसे, ठीक है, एक्सेस करना उसके एलिमेंट को, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना, और लास्ट में हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि रियल लाइफ में किस किस तरह के एप्लीकेशन हैं जो वेक्टर पर बेस करते हैं। तो लिहाजा अब हम आर स्टूडियो ओपन करते हैं और सबसे पहले ये देखेंगे कि हम वेक्टर बनाते किस तरह से हैं एटॉमिक, और उसके बाद वो डिफरेंट टाइप्स के कैसे हो सकते हैं, और दैन फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी हम जाएंगे। तो लिहाजा मैं आर स्टूडियो ओपन करता हूँ। ओके, आर स्टूडियो ओपन है। तो हमारे पास जो कोड हुआ है वो प्रीवियस सेशन का है। तो सबसे पहले मैंने इस कोड को ब्लैंक किया। कंसोल एरिया पे क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल के साथ एल प्रेस करके ब्लैंक कर सकते हो, जबकि वेरिएबल्स जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसमें ये जो ब्रश साइन इस पर आप क्लिक करके तमाम चीज़ों को ब्लैंक कर सकते हैं, बल्कि जबकि इसके अलावा जो पैकेजेस हैं वो हमने यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले हम टाइप जानने से पहले, यानी टाइप पर जाने से पहले देखते हैं कि एक्चुअली वैक्टर किन किन रिसोर्स से या किन किन तरीक़ों से क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज लाइक नेम ए, और ए में कुछ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू बनाता हूँ 1 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 1 से लेकर 10 तक के होंगे। तो ए इस वक्त यहाँ पर एक वैक्टर है। बिल्कुल इसी तरह से सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यू बनाने के लिए हम एक मेथड सीक्वेंस यूज़ करते हैं जिसमें रेंज डिफाइन की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 से लेकर 10 तक के यहाँ पर रेंज डिफाइन की सीक्वेंसेस में, और उसके बाद मैं बी को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये सीक्वेंस एंड भी हो सकती हैं और इनकी लेंथ आउट भी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने सी के नाम से एक और सीक्वेंस क्रिएट किया, और इस सीक्वेंस पर मैं बताता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ होंगी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बाय को यूज़ करते हुए 2 का इंक्रीमेंट यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो गए कि तीन तरीकों से मैं सिंपलेस्ट वे में सीक्वेंस ऑफ दी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, और ये सीक्वेंस ऑफ दी वैल्यू एक्चुअली वेक्टर कहलाते हैं। लिहाजा मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो जो सीक्वेंस ऑफ दी वैल्यूज़ बनी हैं वो यहाँ पर वैक्टर के फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो रही हैं, यानी सीरीज़ ऑफ वैल्यू पर। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ये भी देखा कि वो सेम डेटा टाइप्स की होनी चाहिए। तो जब आपने एक वेक्टर क्रिएट किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके डेटा टाइप्स सेम है और कलेक्शन ऑफ वैल्यू को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आर के अंदर जो वेक्टर बनाने का एक प्रोफेशनल तरीका है वो एक सी मेथड के ज़रिए, यानी अगर मैं एक वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ वेक्टर 1 के नाम से, तो इसके लिए सी और ये स्मॉल ब्रैकेट बनाई जाती है। यानी अब मैं इसके अंदर सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यू अपने नीड के मुताबिक लिख सकता हूँ। यानी ए पे जब हमने फर्स्ट पे बनाया तो वहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रही है कि वो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ही आएगी। इंक्रीमेंट उस बेस पे नहीं हो रहा है जिस बेस पे मैं चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ फोर्सली अपनी मर्जी से सेम डेटा टाइप की वैल्यूज़ का कलेक्शन लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 3, उसके बाद मैंने 77 लिख दिया, 32 लिख दिया, ठीक है, 45 लिख दिया, एंड इस तरह से वैल्यूज़ लिखी, और उसके बाद मैं इस वेक्टर 1 को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो मैंने इस वेक्टर 1 को डिस्प्ले करवाया, उसके बाद मैं टाइप ऑफ वेक्टर देख रहा हूँ, यानी ये किस टाइप की है वो चेक कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं इसकी क्लास देख सकता हूँ। तो मैं सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया, उसके बाद इस कोड को मैंने कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट किया, एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ है वैक्टर का वो यहाँ पर डबल आ रहा है, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यू इस वक्त डबल है, और वेक्टर 1 जो यहाँ पर यूज़ कर रहा है वो क्लास न्यूमेरिक को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला तरीका था वेक्टर बनाने का और इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। बिल्कुल इसी तरह से आप डिफरेंट डेटा टाइप्स पर वेक्टर को क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने अगली स्लाइड पे यूज़ किया हुआ है, कि 4 वो तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप एटॉमिक वेक्टर क्रिएट करते हैं। यानी न्यूमेरिक वेक्टर जैसे अभी मैंने किया है, इसके बाद ये इंटीजर वेक्टर है, फिर कैरेक्टर वेक्टर है, और फिर लॉजिकल वेक्टर है। यानी इन चार तरीकों से तो हम नॉर्मली वेक्टर बना सकते हैं। कैसे? अभी हमने वेक्टर 1, 2 को जब चेक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये न्यूमेरिक वेक्टर था। अब मैं इस न्यूमेरिक को चेंज करता हूँ एक और वेक्टर से, तो मैंने सेम कोड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट करके इससे कर दिया मैंने वेक्टर 2। ठीक है, अभी ये इस वक्त कैरेक्टर में, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर इस वक्त डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एज इंटीजर के ज़रिए से मैं अपने किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को
कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर में या दूसरे डेटा टाइप्स में, तो वो डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं वेक्टर 2 के टाइप और क्लास को चेक करूँ कंट्रोल एंटर के ज़रिए से, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि इंटीजर में आ चुका है, और साथ ही साथ वेरिएबल एक्सप्लोरर पे भी आप देखें तो यहाँ पर वो इंटीजर के साथ आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो मैंने कन्वर्ट किया है, क्या मैं फोर्सली भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप फोर्सली लिख सकते हैं, आप चाहें हर नंबर के साथ आपने एल लिखना पड़ेगा। जब आप हर नंबर के साथ एल लिखोगे तो वो खुद ब खुद इंटीजर में काउंट होगा, तो आपको नीचे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर यह आती है कि हम कैरेक्टर वैक्टर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद 2 को 3 से रिप्लेस करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो मैं सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ और इनवर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा फहद, यहाँ लिखा मैंने हुसैन, ठीक है, एंड थर्ड वन CS भी लिख दिया मैंने। तो अब मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसे डिस्प्ले करा रहा हूँ क्योंकि अब इंटीजर में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया और आप यहाँ देख रहे हो कि कैरेक्टर और कैरेक्टर के बेस पर ये चीज़ें इन्वॉल्व हो गई है। अब क्या मैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसमें कोई दूसरे डेटा टाइप्स की वैल्यू लिख सकता हूँ? जी, वैल्यू आप लिख तो ज़रूर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि वेक्टर में सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, मैंने फोर्सली कॉमा डाल के लिखा 12, फिर कॉमा डाल के लिखा यहाँ पर 45L। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यू है। आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखो अभी भी ये कैरेक्टर है, लेकिन उसने क्या किया, आपकी वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी डेटा टाइप्स आप यहाँ पर लिखोगे वो स्टार्टिंग वैल्यू को रीड करते हुए अंडरस्टैंड करेगा कि आप किस डेटा टाइप का वेक्टर क्रिएट कर रहे हो। तो यही वजह है कि उसने इन स्ट्रिंग को रीड करते हुए अंडरस्टैंड कर लिया कि आप जितनी आगे वैल्यू लिख रहे हो वो तमाम के तमाम किस में होंगे, आपके स्ट्रिंग में होंगे। तो आप फोर्सली अब यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखो या इंटीजर लिखो, वो स्ट्रिंग में ही काउंट होंगे। चौथी टाइप हमारे पास बूलियन थी, तो बूलियन को हैंडल करने के लिए आप कोई भी दो वेरिएबल बना सकते हो और उसकी राइट एंड रॉन्ग वैल्यू पे डिसीजन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वेक्टर 4 क्रिएट किया, ठीक है, दोनों ही असाइनमेंट ऑपरेटर हैं इक्वल साइन ऑफ एंगल ब्रैकेट के साथ, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिखा ए इज़ ग्रेटर दैन बी कॉमा बी इज़ लेस दैन ए, ठीक है, दो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है इन दोनों के बिहाफ पर। तो हम जानते हैं कि जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका आउटपुट किस में आता है, ट्रू या फॉल्स में, यानी लॉजिकल में। तो जब ये लॉजिकल आउटपुट को कंटेन कर रहा है तो हमारा वेक्टर क्या बन गया, लॉजिकल वेक्टर बन गया। लिहाजा इस बेस पर मैं वेक्टर 4 यहाँ पर यूज़ करूँगा और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, एंड हियर इट इज़ लॉजिकल वेक्टर, एंड ट्रू एंड फॉल्स अकॉर्डिंग टू द राइट कंडीशन ऑफ द वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले। तो इस तरह से हमने अभी तक ये देखा कि आर पे हम वैक्टर बनाते किस तरह से हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स को हम बना सकते हैं, बनाने के बाद फोर्सली अगर वैल्यू चेंज की जाएगी तो वो किस तरह से होगी, और चार वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप वैक्टर बनाकर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर यूज़ कर सकेंगे। अब बात ये होती है कि हम वैल्यूज़ को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस वैक्टर के ज़रिए से परफॉर्म होते हैं। तो वेक्टर के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कंबाइनिंग वेक्टर है, यानी दो वेक्टर को कंबाइन करना, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन उसमें अप्लाई करना, लॉजिकल इंडेक्सिंग करना, न्यूमेरिक इंडेक्स करना, डुप्लीकेट बनाना, रेंज डिफाइन करना, आउट ऑफ ऑर्डर को एक्सेस करना, नेम वेक्टर मेंबर बनाना, ये तमाम डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो एक वेक्टर में नॉर्मली किए जा सकते हैं। तो लिहाजा इनमें ऑपरेशंस पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम दो वेक्टर को किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके लिए मैंने वेक्टर 1 क्रिएट किया एक, ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यूज़ बता दी मैंने एज लाइक दिस। फिर इसी तरह से हम एक और वेक्टर बनाते हैं 2, इसकी वैल्यू हम कुछ चेंज कर देते हैं एज लाइक दिस, और अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यानी वेक्टर को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2, दैट्स इट, और उसके बाद हम इसे कंट्रोल एंटर के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हियर इट इज़, आप देख रहे हैं कि एलिमेंट वाइज इनका सम होने के बाद आ चुका है। तो जब ये सम हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, वो तमाम ऑपरेशन जो हम ऑपरेटर्स में देख चुके हैं वो तमाम के तमाम मैं इसमें अब अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने तमाम को यहाँ पर कॉल किया, ठीक है, और उसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया। तो वो तमाम ऑपरेशंस जो हमने प्रीवियसली ऑपरेटर्स में किए हैं वो अब मैं इस वेक्टर के साथ भी परफॉर्म कर पा रहा हूँ जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसी तरह से
कंबाइनिंग वेक्टर, दो वेक्टर को कंबाइन करना, ऐड करना अलग था, कंबाइन करना अलग होगा। कंबाइनिंग करने के लिए मैं टॉप पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और सिर्फ वेक्टर वन कॉमा वेक्टर टू लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वेक्टर ऐड नहीं हो रहे हैं बल्कि दो मर्ज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो सिर्फ मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, इस लाइन को, और अब आप देखोगे यहाँ पर, सॉरी दिस वन, तो अब हमारा वेक्टर यहाँ पर कंबाइन होगा। तो आउटपुट हमारे पास फर्स्ट वेक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जब वेक्टर को कंबाइन करोगे तो उसका आउटपुट भी तो एक वेक्टर में आएगा, लिहाजा ये करने के लिए हमें एक वेक्टर के अंदर इनके आउटपुट को इनक्लोज करना होगा, ठीक है, एज लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पर सी यूज़ किया है तो ये एक वेक्टर के अंदर आ रहा है। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर मर्ज के नाम से, ठीक है, और इस मर्ज के अंदर हमने इन दोनों वेक्टर को ले लिया है और अब मैं इस मर्ज को यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ ताकि ये दोनों हमें कंबाइन होकर मिले। एंड हियर इट इज, आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर यहाँ पर मर्ज भी हो गए, यानी हम दोनों वेक्टर को मर्ज कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लॉजिकली इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, आपके पास किसी भी टाइप्स के वेक्टर मौजूद हो आप उसकी इंडेक्सिंग को कॉल करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे, हम अगर सिंपलेस्ट इस की बात करें, ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं तो मैं यहाँ पर कमेंट पे हैश के आप कमेंट बनाते हो, ऑपरेशंस इन वेक्टर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने दो ऑपरेशंस तो नॉर्मली देखे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब हमारे पास ऑपरेशंस में इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो अगर मैं वेक्टर वन की बात करूँ तो मैंने लिखा वेक्टर वन और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट यहाँ पर बनाकर मैंने इंडेक्स नंबर वन लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कंट्रोल एंटर के साथ, आप देख रहे हैं वन आ गया। बिल्कुल जिस तरह से नॉर्मली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंडेक्सिंग होती है, प्लस वन जो कि लेफ्ट साइड से चलता है और माइनस वन राइट हैंड साइड से, तो मैं वेक्टर वन को यहाँ से माइनस कर देता हूँ और उसके बिहाफ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखें कि अब माइनस वन से क्या हुआ कि उसने यहाँ से वैल्यू को इग्नोर रीड किया इन दोनों को और पहले वाले इंडेक्स को इग्नोर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यानी पहले इंडेक्स की वैल्यू को इग्नोर कर दिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ को वो रीड करके ले आया। तो जिस तरह से मैंने ये काम सिंपल न्यूमेरिक वेक्टर में किया है, यही चीज़ लॉजिकल में, यही चीज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेक्टर्स के अंदर भी इस्तेमाल होंगी। इसी तरह से आप डुप्लीकेट इंडेक्सिंग भी रीड करवा सकते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, तो डुप्लीकेट इंडेक्स का मतलब ये है कि मैंने लिखा वेक्टर वन और उसके बाद मैंने लिखा वन कॉमा टू कॉमा टू कॉमा थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर के अंदर ये वैल्यू डिस्प्ले होगी और ये दो दफ़ा होगी और ये एक दफ़ा होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट लिखा है। तो मैं इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। इनकरेक्ट नंबर ऑफ द डायमेंशन, अच्छा जी वेक्टर वन, अच्छा जी इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशन आने की वजह यह है कि अगर आप वेक्टर को देखो तो ये वन डायमेंशनल एक एरे के फॉर्म पे वैल्यूज़ होती है और यहाँ पर इस तरह फॉर्मेट लिखने का मतलब है डायमेंशन। तो अब मुझे क्या करना है, इन इंडेक्सेस नंबर को एक वेक्टर में टारगेट करना है इस वेक्टर के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि एक वेक्टर बनाओ इस इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हुए, जो इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, यानी ये इंडेक्स नंबर वेक्टर बन गए और ये इंडेक्स नंबर इस वेक्टर को कॉल करके उसकी वैल्यू को डुप्लीकेट वे में डिस्प्ले करवाएंगे। कैसे, देखो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, अब क्या हुआ, टू यहाँ पर टू टाइम डिस्प्ले हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस वेक्टर में वन टू थ्री लिखा है लेकिन ये टू को मैं टू टाइम इसलिए डिस्प्ले करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी इंडेक्सिंग को टू टाइम कॉल किया है। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ में या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ से डुप्लीकेट बना सकते हो, उनकी डुप्लीकेट वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो, आइदर वो स्ट्रिंग में हो, कैरेक्टर्स में हो या नंबर्स में हो, व्हाटएवर जिसमें भी हो आप उसको कर सकते हो। उसके बाद रेंज, हमारे पास इंडेक्सेस हैं, रेंज इंडेक्सेस से मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक रेंज से लेकर स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू डिस्प्ले करवाना। इसके लिए मैं एक और वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर की लेंथ बड़ी होगी तो ही हम उसे डिस्प्ले करवा सकेंगे। तो मैंने कमेंट पे यहाँ पे लिख दिया रेंज इंडेक्सेस और अब इस वेक्टर का नाम रखते हैं वेक्टर थ्री, कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करवाते हैं, आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ लिख सकते हो यहाँ पर जो आप चाहो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर थ्री, सही है, और अब मैं यहाँ पर रेंज बता रहा हूँ इंडेक्स टू से इंडेक्स सेवन तक, ठीक है। तो ये रेंज इंडेक्सेस हो गए, पहले जो इंडेक्सेस बताई गई हैं वो इंडिविजुअल थी, अब रेंज में बताई जा रही हैं चीज़ें। अब रेंज की बिहाफ पर मैं इसे डिस्प्ले करवाता हूँ, तो आप देखें इंडेक्स नंबर टू पर टू मौजूद है और सेवन पे सेवन मौजूद है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो चुकी हैं।
बिल्कुल यही काम आप मल्टीपल इंडेक्सेस के लिए भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट के रिस्पेक्ट से किया है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अभी बताई हैं वो इन तमाम को फॉलो कर रही हैं कि वेक्टर को कंबाइन करना, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, इंडेक्सिंग करना लॉजिकली, न्यूमेरिक इंडेक्स करना, डुप्लीकेट करना देखा, और रेंज इंडेक्सेस भी अभी मैंने आपको दिखाया। अब आ रहा है आउट ऑफ ऑर्डर इंडेक्सेस। आउट ऑफ ऑर्डर इंडेक्सेस का मतलब ये है कि जो एक्चुअली आपके पास एरे मौजूद है उसको आप आउट कर रहे हो उसकी रेंज से। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया हुआ है वेक्टर 3 के नाम से, उसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं और एक इंडेक्स नंबर भी मैंने बता दी। अब मैं वही काम कर रहा हूँ ये वाला आउट ऑफ रेंज के लिए। कैसे? तो मैंने इससे पहले कॉपी किया, यहाँ लिखा ऑपरेशंस पे, अब हम कमेंट लिखते हैं आउट ऑफ ऑर्डर इंडेक्सेस, और यहाँ पर आने के बाद वेक्टर 3 लार्ज ब्रैकेट वेक्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने लिखा 2, 1, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ ऑर्डर ये किस तरह से हो रहा है इसको समझना है। देखो ये तो रेंज डिस्प्ले कर रहा है, अब ये रेंज डिस्प्ले करने के बाद क्या करेगा, इस वेक्टर में से ही इन तमाम इंडेक्सेस की वैल्यू को लेकर आ जाएगा। कैसे? इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर हमें समझना है आउट ऑफ इंडेक्सेस क्या हो रहे हैं। 2 से लेकर 7 तक की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, इस स्पेसिफिकली इंडेक्स को टारगेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसे किया, अगर मैं इंडेक्सेस नंबर देखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तक के तमाम टारगेट्स यहाँ तक मैंने इसको कंसिडर किया। और अगर इसमें से देखूँ 4, 6, 8, 10 एंड 11, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर 11, तो ये लास्ट इंडेक्स तक की वैल्यूज़ आ गई। और अब मैं स्पेसिफिकली उन इंडेक्सेस की वैल्यू को यहाँ पर कलेक्शन के फॉर्म पर कॉल कर ले रहा हूँ एक ही दफ़ा में, जिस तरह से मैंने रेंज इंडेक्सेस पे किया है। अब आप आउट ऑफ ऑर्डर से मुराद यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स को आउट करूँ, जो कि मैंने 12 किया है, ठीक है, और उस बेस पर अगर मैंने इसको कॉल करने की कोशिश की, तो आप देखो यहाँ पर एन ए लिखा आ रहा है, विच मीन नॉट अ नंबर। अब जो आगे के रेंज पे तुम जा रहे हो वहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं है, ठीक है। जब नंबर मौजूद नहीं है तो वो ब्लैंक एरिया है, उस ब्लैंक को यहाँ पर एन ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यही वजह है कि जब हम इन फ्यूचर डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग के अंदर किसी सेपरेटली डेटा सेट पर काम कर रहे होंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटा सेट के एट्रीब्यूट्स आएंगे जो एन ए होंगे, और आउट ऑफ ऑर्डर इंडेक्सेस के जरिए की वजह से भी वो वहाँ पर एन ए लिखे हुआ रहे होंगे। तो वो मिसिंग वैल्यू में फाइंड होती है, और मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने का एक सेपरेट तरीका होता है जो हम आगे जाकर देखेंगे। अब हमारे पास लास्ट में है प्रॉपर्टी में नेम वैक्टर। नेम वेक्टर से मुराद ये है कि हम एक वेक्टर क्रिएट करके उसको डिफरेंट नेम देते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर बनाया वेक्टर 5 के नाम से, और इसके अंदर कुछ हम कोर्सेज लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा आर प्रोग्रामिंग, ठीक है, मैंने लिखा आर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद मैंने लिखा एक और डेटा साइंस, ठीक है। आप मल्टीपल लिख सकते हो, सिंपल वे में मैं नेम वेक्टर बना रहा हूँ। और अब हम इसे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो जब मैं इसे डिस्प्ले करवाता हूँ तो वो बिल्कुल उसी फॉर्म पे वेक्टर के डिस्प्ले होता है जिस तरह से एज़ यूजुअल चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। और वेरिएबल में भी यहाँ पर कैरेक्टर वेक्टर लिखा आ रहा है। अब मैं इसको नेम देना चाह रहा हूँ। देखो नेम देने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैथड यूज़ किया नेम्स का। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा नेम्स, ठीक है, बेस मैथड आ रहा है, और इसके अंदर मैं अपने वेक्टर को कॉल करूंगा। तो वेक्टर का नाम है 5। भाई तुम्हें किसका नाम देना है? मैंने कहा मुझे आर प्रोग्रामिंग को एक टॉप पर हेडिंग देनी है, और इसी तरह से डेटा साइंस को एक नाम देना है। तो मैंने नाम देने के लिए एक और वेक्टर क्रिएट किया, और मैंने कहा आर प्रोग्रामिंग के टॉप पर या आर प्रोग्रामिंग के नाम को मैं कहता हूँ स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड को कहता हूँ मैं एंडिंग स्टेज। ये दो नाम हो रहे हैं दो उस वर्ड्स के जो वेक्टर में मौजूद हैं, दो ऑब्जेक्ट के। उसके बाद मैं इस वेक्टर 5 को डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। तो अभी तो हम वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्ले करवा चुके हैं, अब मैं इसके ज़रिए से करवा रहा हूँ। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि दोनों वैक्टर के ऊपर एक हैडिंग लिखी हुई आ रही है, एंडिंग स्टेज, आर प्रोग्रामिंग के ऊपर स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ देखो इस जगह पर, तो ये नेम कैरेक्टर बन चुका है इस जगह पर। पहले ये सिर्फ 4 एरे था या 4 वेक्टर था, अब ये नेम कैरेक्टर्स बन चुका है। इनमें से मैं किसी स्पेसिफिक नेम को कॉल करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर आओ, अपने वेक्टर का नाम लिखो, यानी वेक्टर 5, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट में अपने उस
नेम्ड वेक्टर का नाम लिख दो जिसके ज़रिए से तुम उस वैल्यू को कॉल करना चाहते हो। तो मैंने स्टार्टिंग स्टेज लिखा और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया। आप देख रहे हैं वो वाला एरिया आ गया। तो इस तरह से ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने देखा कि वैक्टर क्या है, किस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैक्टर्स बनाए जाते हैं और उनको किन किन तरीकों से ऑपरेशनल वाइज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तमाम तरीके देखे। ऑपरेशंस पे हमने देखा वैक्टर को मर्ज करना, ऑटोमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना, इंडेक्सिंग करना, डुप्लीकेट वैल्यू बनाना, रेंज इंडेक्सेस देखा। रेंज इंडेक्सेस के बाद देखा हमने आउट ऑफ ऑर्डर्स इंडेक्सेस क्या हैं। फिर हमने नेम वैक्टर बनाया और उसको एक्सेस करने का तरीका देखा। तो ये ओवरऑल जो तमाम ऑपरेशन है वो तमाम वो ऑपरेशन है जो प्रोफेशनली आपके प्रॉब्लम में यूटिलाइज होंगे, यूज़ होंगे। तो जो तमाम चीज़ें हमने बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के साथ की हैं। अब लास्ट में इस सेशन के पार्ट के अंदर हमें कुछ एप्लीकेशंस देखनी है कि वैक्टर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। सो इन मशीन लर्निंग फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी PCA वैक्टर आर यूज, यानी PCA मशीन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। उस मॉडल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दे आर एक्सटेंडेड टू आइगन वैक्टर या आइगन वैल्यूज़ एंड देन यूज फॉर परफॉर्मिंग डीकम्पोजिशन इन वैक्टर स्पेसिस। ये प्रोफेशनली यूजेज है। दी इनपुट विच आर प्रोवाइडेड टू द डीप लर्निंग मॉडल आर इन द फॉर्म ऑफ द वैक्टर्स। दीज वैक्टर कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज डेटा विच इज सप्लाइड टू द इनपुट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। यानी जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उन नेटवर्क्स में जो हमारा इनपुट लेयर होता है उसमें जो वैल्यूज़ दी जा रही होती हैं वो वैक्टर के फॉर्म पर दी जा रही होती हैं, जो अभी हमने देखा। इन द डेवलपमेंट ऑफ द सपोर्ट वैक्टर मशीन अल्गोरिथम वैक्टर आर यूज। सपोर्ट वैक्टर अल्गोरिथम के अंदर भी वैक्टर को यूज़ किया जाता है। वैक्टर ऑपरेशन आर यूटिलाइज इन न्यूरल नेटवर्क फॉर वेरियस ऑपरेशन लाइज इमेज रिकोगनेशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द अदर ऑपरेशन आर इन्वॉल्व्ड। तो ये कुछ ऑपरेशंस थी जो आर प्रोग्रामिंग के अंदर वैक्टर्स को यूज़ करते हुए की जाती हैं, जो हमने आज इस सेशन पर देखा। तो होपफुली ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है मैं उन तमाम को कोलैब पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो आर के लिए वो लिंक हम यूज़ करते हैं, जिस लिंक के ज़रिए से हम कोलैब पर लॉगिन होते हैं आर प्रोग्रामिंग के लिए, और सेम लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए आप पूरे इस कोड को आर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं कोलैब पर आने के बाद मैंने आर कोड को यहाँ पर पेस्ट किया एक चंक को उसमें से, और उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ नाउ प्रिंट इन अ राइट मैनर। तो नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो वैक्टर के बाद हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है और लिस्ट में ऑपरेशन और वर्किंग किस तरह से होती है प्रोफेशनली।